प्रो कबड्डी सीजन 8 के लीग स्टेजेस का आज आखिरी दिन है एंड यहाँ पे अभी भी तीन टीम्स बची है जो यहाँ पे प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेगी एंड इन तीन टीम्स के स्पॉट के लिए अभी भी पांच टीम्स प्लेऑफ की रेस में बरकरार है। आखिर कौन सी टीम है जो यहाँ पे प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकती है, पॉइंट्स टेबल को डिटेल में एनालाइज करने वाले, कितने ज्यादा चांसेस है एंड आज के तीन मैचेस के रिजल्ट से कौन सी टीम क्वालिफाई कर सकती है डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो होने वाला बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। सो गाइस बिना देरी किए एक और नए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस यहाँ पे फटाफट पॉइंट्स टेबल को एनालाइज कर लेते हैं, यानी कि जो जो टीम्स अभी प्लेऑफ की रेस में बरकरार है वो टीम्स को एनालाइज करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि पांच टीम्स अभी भी प्लेऑफ की रेस में, जिसमें से तीन टीम क्वालिफाई करेगी, वो है बेंगलुरु बुल्स, हरियाणा सिलर्स, जयपुर पिंक पैंथर्स, गुजरात जायंट्स एंड पुणे पल्टन की टीम। अब इनमें से तीन टीम ही क्वालिफाई करने वाली है। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं बेंगलुरु बुल्स की टीम। अब बेंगलुरु बुल्स की टीम पॉइंट्स टेबल पे चौथे स्थान पे, जैसे कि आपको पता है एंड यहाँ पे बेंगलुरु की टीम यही चाहेगी कि यहाँ पे टॉप सिक्स में बरकरार है ताकि प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाए। अब जो आज के तीन मैचेस है वो यहाँ पे बेंगलुरु की टीम डेफिनेटली देखने वाली है। अब कौन से मैच में कौन से टीम को बेंगलुरु की टीम सपोर्ट करने वाली है एंड बेंगलुरु के फैंस कौन सी टीम को सपोर्ट करेंगे वो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। सबसे पहले जो मैच है यहाँ पे जयपुर पिंक पैंथर्स एंड पुणे पल्टन के बीच में खेला जाएगा। अब बेंगलुरु के फैंस के नजरिए से देखा जाए तो ये मैच पुणे पल्टन की टीम जीतेगी तो यहाँ पे बेंगलुरु को ज्यादा फायदा होने वाला है। बिकॉज यहाँ पे अगर पुणे पल्टन की मैच जीती है तो यहाँ पे पुणे पल्टन की टीम 66 पॉइंट की तरफ चली जाएगी एंड स्कोर डिफरेंस यहाँ पे बेंगलुरु का ज्यादा बेहतर है तो बेंगलुरु के नीचे रहने वाली है, तो यहाँ पे जयपुर पिंक पैंथर्स का पत्ता कट हो जाने वाला है। तो जो पहला मैच यहाँ पे बेंगलुरु की टीम पुणे को सपोर्ट करेगी, अगर पुणे की टीम हार भी जाती है तब भी इतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा। एंड सेकेंड मैच गुजरात जायंट्स एंड यूमा के बीच में खेला जाएगा एंड जो मैच है वो यहाँ पे यू मुंबा की टीम जीते। अगर यू मुंबा की टीम गुजरात जायंट्स को हरा देती तो गुजरात जायंट्स की टीम भी प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी, तो यहाँ पे बेंगलोर के लिए काफी अच्छी बात रहेगी। एंड जो तीसरा मैच है पटना पायरेट्स एंड हरियाणा सिलर्स के बीच में खेला जाएगा, वो मैच पटना पायरेट्स की टीम जीते तभी यहाँ पे बेंगलोर की टीम के लिए और एक पॉजिटिव बात निकल के आएगी। अब जो तीनों मैचेस है तीनों रिजल्ट तो पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पे तीनों रिजल्ट जो मैं बोल रहा हूँ वही हो, इनमें से अगर दो रिजल्ट भी सही हो जाते तो यहाँ पे बेंगलोर की टीम प्लेऑफ के लिए ऑफिशियली क्वालिफाई कर जाएगी। अब इन तीन में से दो ही रिजल्ट पॉसिबली आए, मतलब कि पहला रिजल्ट तो आने वाले डेफिनेटली जयपुर पुणे की टीम, अब इनमें से कोई भी टीम जीते वो यहाँ पे मतलब कि बेंगलोर का एक पॉजिटिव बात हो गया, प्लस पॉइंट हो गया। अब जो दो मैचेस है बचे हुए गुजरात एंड मुंबई एंड पटना एंड हरियाणा, इनमें से जो मैंने रिजल्ट बताया यानी कि दूसरा मैच यूमा की टीम जीते एंड तीसरा मैच पटना पायरेट्स की टीम जीते, ये दो में से कोई भी एक रिजल्ट सही होता है तो बेंगलुरु बुल्स की टीम क्वालिफाई कर जाएगी। अब इन तीन में से एक ही रिजल्ट सही होता है, दो रिजल्ट गलत होते तो यहाँ पे बेंगलुरु की टीम क्वालिफाई नहीं कर सकती है, तो बेंगलुरु के चांसेस थोड़े से कम है। अब दोस्तों बात करते हैं हरियाणा सिलर्स की, तो ऐसा पे हरियाणा सिलर्स का भी सीधा सा सिनेरियो निकल के आ रहा है, एक मैच बचा है एंड यहाँ पे ये मैच जीत जाती है जहाँ पे पटना पायरेट्स के खिलाफ खेलने वाली है तो यहाँ पे डेफिनेटली हरियाणा सिलर्स की टीम क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन अगर मैच हारती है तब भी यहाँ पे होप खत्म नहीं होने वाला है, तभी भी हरियाणा के चांसेस है कि क्वालिफाई कर सकती है। अब यहाँ पे पटना एंड हरियाणा का जो लीग स्टेजेस के मैच आखिरी रहने वाला, तो यहाँ पे उससे पहले हरियाणा सिलर्स की टीम ये भी मैच देखने वाली जो यहाँ पे गुजरात जायंट्स एंड यूमा के बीच में खेलने वाली है। अगर ये मैच यूमा की टीम गुजरात को हरा देती है तो यहाँ पे हरियाणा सिलर्स की टीम आखिरी मैच जीते या फिर हारे तब भी यहाँ पे हरियाणा सिलर्स की टीम क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक टर्म यहाँ पे ये भी निकल के आता है कि एक पॉइंट से हारना होगा, यानी कि मतलब कि एक पॉइंट लेना, हारने के बाद भी एक पॉइंट जो टीम को मिलता है वो यहाँ पे कम मार्जिन से जीतेगी तो भी यहाँ पे हरियाणा सिलर्स की टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। तो यहाँ पे सीधा से यही सिनेरियो है कि जीते क्वालिफाई कर जाए, हारेगी तो यहाँ पे बाकी सब वो मैथमेटिक्स देखा जाएगा, इतने पॉइंट से जीतना हारना है, तो यहाँ पे हरियाणा की टीम दिक्कतें में आ सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरी टीम की, तो गाइस जो तीसरी टीम है यहाँ पे जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम है। अब जयपुर पिंक पैंथर्स का भी सिनेरियो साफ साफ निकल के आ रहा है, जो आखिरी मैच जयपुर की टीम खेलने वाली है जो यहाँ पे पुणे पल्टन के खिलाफ होने वाला आज का पहला मैच होने वाला है, अगर यह मैच जयपुर की टीम जीत जाती है तो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी एंड अगर मैच हार जाती है तो 99% चांस है कि प्लेऑफ की रेस से पूरी तरह बाहर हो जाएगी। तो ये जो मैच है पुणे पल्टन एंड जयपुर का जो मैच है ये एक हिसाब से आप क्वार्टर फाइनल मान के चल सकते हो, जो टीम मैच जीतेगी वो यहाँ पे प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं चौथी टीम यानी कि
गुजरात जायंट्स की। तो गाइस अब गुजरात जायंट्स का भी सिनेरियो साफ साफ निकल के आ रहा है, अगर मैच जीतेगी तो यहाँ पे क्वालिफाई कर जाएगी एंड अगर मैच हार जाएगी तो 100% प्ले ऑफ की रेस से पूरी तरह बाहर हो जाएगी। तो कैसे भी करके गुजरात जायंट्स को ये मैच जीतना होगा। अब दोस्तों बात करते हैं पांचवी टीम की। दोस्तों पांचवी टीम है पुनेडी पल्टन की टीम है। अब पुनेडी पल्टन का सिनेरियो बहुत ही अजीब निकल के आ रहा है। पुणे की टीम अपना आखिरी मैच जीत जाती है तब भी यहाँ पे 100% क्वालिफाई नहीं करेगी, बिकॉज यहाँ पे पुणे की टीम बेंगलोर के जो पॉइंट्स है 66 पॉइंट्स यहाँ पे मैच कर देने वाली है, लेकिन बेंगलोर को ओवरटेक नहीं कर पाएगी। अब यहाँ पे मान के चलते कि पुणे की टीम मैच जीत गई एंड यहाँ पे पुणे की टीम पॉइंट्स टेबल पे पांचवें स्थान पे आ जाती है एंड छठवें एंड सातवें स्थान पे हरियाणा स्टीलर्स एंड जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम है। अब जो अगला मैच है वो गुजरात जायंट्स एंड यूमा के बीच में खेला जाएगा। अब यही होप करेगी कि यहाँ पे यूमा की टीम मैच जीते ताकि गुजरात जायंट्स की टीम पुणे को ओवरटेक ना कर पाए एंड सेकेंड मैच जो यहाँ पे पटना पायरेट्स एंड हरियाणा स्टीलर्स के बीच में खेला जाएगा वो मैच यहाँ पे पटना पायरेट्स की टीम जीते एंड यहाँ पे हरियाणा स्टीलर्स की टीम भी ओवरटेक नहीं कर पाए एंड देन यहाँ पे इजिली पुनेडी पल्टन की टीम क्वालिफाई कर जाएगी। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि पुणे की टीम अगर ये मैच जीत जाती है, जो दूसरा मैच है मुंबई की टीम जीती एंड जो तीसरा मैच है वो यहाँ पे पटना पायरेट्स की टीम जीते, अब ये दो में से एक रिजल्ट भी पॉसिबल हो जाते तो यहाँ पे पुनेडी पल्टन की टीम क्वालिफाई कर जाएगी। तो बहुत ही कंफ्यूजन, ये तीन मैचेस में काफी सारे सिनेरियो निकल के आ रहे हैं, काफी सारे रिजल्ट्स यहाँ पे पॉसिबल है। अब लेट्स सी क्या होता है, लेकिन यहाँ पे एक एक मैच जैसे कंप्लीट होते जाएंगे हमें टीम्स मिलते जाएंगे। तो गाइस आपके अकॉर्डिंग जो तीन स्पोर्ट बचा है उसमें कौन सी टीम क्वालिफाई कर सकती है, आप भी अपने तीन टीम्स कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अब यहाँ पे बात करें प्रेडिक्शन की, मेरे अकॉर्डिंग वो कौन सी टीम है जो यहाँ पे क्वालिफाई करेगी, जो सबसे पहले टीम यहाँ पे जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम लगती है, बिकॉज यहाँ पे जयपुर की टीम पहला मैच जीतेगी तो यहाँ पे क्वालिफाई डेफिनेटली करने वाली है एंड दूसरी टीम बेंगलुरु बुल्स की टीम है एंड तीसरी टीम हरियाणा स्टीलर्स की टीम है। ऐसा मुझे लगता है बेंगलोर, हरियाणा एंड जयपुर की टीम है। अब आपके अकॉर्डिंग कौन से तीन टीम है जहाँ पे क्वालिफाई कर सकते हैं, आप भी अपना प्रेडिक्शन कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो गाइस हो गई पैन करते हैं, आपको थोड़ी पसंद आए शुक्र, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। सो गाइस उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी, मिलते हैं कौन है इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।